क्या है प्रॉब्लम कि मुझे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है? चलो आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूं। महाभारत खत्म हो गई, बहुत टाइम तक पांडवों ने राज्य किया, बहुत टाइम तक किया। युधिष्ठिर ने तो काफी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए राज किया। बाकी भाई भूल भूल गए कि कृष्ण ने क्या सिखाया था। दे जस्ट एंजॉयड बीइंग अ किंग, दे वर नॉट दैट बैड, बट स्टिल डिस्कनेक्शन आ गया नॉलेज से, जो नॉलेज उनको भगवान कृष्ण ने दी थी। तो एक दिन आया जब युधिष्ठिर ने कहा कि अभी टाइम्स अप, नाउ लेट्स गो एंड डू अवर लास्ट वॉक। एंड दे स्टार्टेड क्लाइंबिंग, सॉरी विच माउंटेन, मंधारा, माउंट मंधारा। दे स्टार्टेड वॉकिंग अप द माउंट मंधारा। व्हाइल दे आर वॉकिंग अप माउंट मंधारा, वन बाय वन दे आर वॉकिंग इन द लेन, बिकॉज टफ क्लाइंब है। All the five brothers, Pandavas and Draupadi. चलते चलते Draupadi fell, गिर गई। All the four brothers, not the Yudhishthir, four brothers became distraught. Draupadi fell. Draupadi गिर गई। Yudhishthir को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। Yudhishthir से पूछा कि Draupadi क्यों गिरी? मतलब जिंदगी भर तो उसने हमारी सेवा करी, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करी उसने लाइफ में, सबसे पहले उसको ही गिरना था क्या? तो युधिष्ठिर ने बोला, द्रौपदी, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ होता है जो कि उसको पता नहीं था। देखो कार्मिक अकाउंट में कैसे बैठा हुआ है। द्रौपदी मैरिड ऑल फाइव ऑफ अस, बट इनसाइड शी ऑल्सो फुलफिल्ड हर ड्यूटीज टूवर्ड्स अस, बट इनसाइड शी हैड deep love for Arjun only. And then when she came to know that Karan is also Kunti's son, she also wanted him, because these two reasons she fell first. Anyway, crying, all four, not the Yudhishthir, kept walking. Then Nakul fell. All started crying again. Why Nakul now? What has he done? Why couldn't he reach up? हमको तो ऊपर तक पहुंचना है ना, जहां पर इंद्र हमारे को लेने आएंगे स्वर्ग में जाने के लिए। वो तो गिर गया। Nakul हमेशा ये सोचता था कि उससे सुंदर कोई नहीं। He was very handsome. His vanity, his feeling that he is the most handsome caused his loss. फिर सहदेव fell. अब भी दोनों रो रहे हैं, दो ही बचे, युधिष्ठिर तो रो नहीं रहे, भीम और अर्जुन। सहदेव को क्या हुआ? सहदेव was a smug. Smug means, you know the meaning of smug? मतलब बहुत ही ज्यादा खुद पे अहंकार, बहुत ज्यादा अहंकार। मतलब जब वो राजा बन गए तो राजा शाही का बहुत अहंकार दिखाया, कभी नहीं बात कभी नहीं करते थे। सहदेव वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट, ही नेवर स्पोक, ही नेवर यूज्ड टू हार्म एनीबॉडी, लेकिन अंदर अहंकार था। वो अहंकार के कारण ही फेल। देन भीम फेल। नाउ अर्जुन तो वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, all five of us are not able to reach there, even Bhim is gone. Why Bhim fell? Bhim kyun gir gaye? Girne ka matlab nark mein chale gaye. Girne ka arth hai nark mein jana. Agar aap upar pahunch jao to you have the gates of swarg open for you. So why Bhim? Arjuna asking Yudhishthir, why Bhim? To bola, Bhim ne khata kaisa dekha tumne? एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी क्या थी? ही ऑलवेज यूज टू एंजॉय इफ समबडी एल्स फील्स बैड। किसी के साथ बुरा हो जाए ना तो उनको बहुत खुशी मिलती थी। मतलब ही यूज टू एंजॉय मिजरी ऑफ अदर्स
especially those who are with whom he wants to take revenge. Zara haath khada karna kis kis ke andar ye bhavnaye hain. Sab mein isko bolte hain tamasic pravritti. Ab uski quantity kitni hai wo humko hi judge karna hai aur isi instrument ko use karke use kam karna hai. Effort dalna padega. Fir kaun gira? Arjun. Ab Yudhishthir ko pata chal gaya gir gaya, lekin he didn't know why Arjun fell. Is because of one problem with Arjun. Arjun always thought he is the most powerful and most skilled warrior. मतलब उससे बेटर धनुर्धारी कोई हो ही नहीं सकता. लेकिन अगर कोई आ जाए ना तो या तो उसका अंगूठा कटवा दूंगा मैं, या फिर उसको मरवा दूंगा. मतलब मन में तो मारने की इच्छा थी कि यार कोई आ जाए. मतलब उसको रोज डर था कि कल कोई सुबह 16 साल का बच्चा आ जाएगा जो मुझसे बेटर धनुष चलाएगा. हर दिन डर था, वो इनसिक्योरिटी थी. इस इनसिक्योरिटी ने उसको नरक में भेजा. अब युधिष्ठिर अकेले मंदारा के ऊपर पहुंच गए, माउंट मंदारा. इंद्र ने अपना वाहन भेजा कि नाउ यू आर इनवाइटेड टू रीच द स्वर्ग. यू हैव टू गो टू स्वर्ग विद द बॉडी, दैट इज द अल्टीमेट. व्हेन यू से स्वर्ग टू गो टू बॉडी इज द स्टेट ऑफ फ्रीडम. अल्टीमेटली द स्टेट ऑफ फ्रीडम, दैट मीन्स यू stay here, while you are here you attain enlightenment. That's a state of entry, freedom. Ab jab wo pahunch rahe the, jab wo sawari aayi, to he was about to climb and he saw a dog behind him. To sir, dog bhi mere sath pahunch gaya yahan tak upar chadhte chadhte. Dog was one dog who was there with them since the long time. He used to be around them. The street dog used to be around them all the time. So when they started walking, he also started walking with them. So Indra ne kaha, we can't take dogs to Swarg Lok. Not possible. So he has to stay here only. He said, that's not possible. How can he stay here? He has climbed. Mere sab bhai aur wife to gaye nark mein. Ye nahi gaya, iska matlab isne kuch achhe punne kiye honge na, to ye nahi gaya. Isko to le bagar main jaunga. Maan nahi raha, to wahan provision hi nahi hai. Pets and adharmi is not allowed. So, not allowed. But he said that if he is not allowed, I am not coming. I am going to stay here. Ultimately, they agreed. Okay, let's go.